टू डिस्कस बी ए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेकेंड सेमेस्टर इन्वायरमेंटल साइंस का असाइनमेंट, और ये सॉल्वड असाइनमेंट है और इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 इज़ एक्सप्लेन इन्वायरमेंटल हेल्थ। इन्वायरमेंटल हेल्थ को इन्फेक्शस डिसीजेज को, वाटर रिलेटेड डिसीजेज एंड फूड बॉर्न डिसीजेज, इन सबको आपको एक्सप्लेन करना है वन बाय वन। इन्वायरमेंटल हेल्थ कौन सी है? सबसे पहले इन्वायरमेंटल हेल्थ को जस्टिफाई किया है इन लोगों ने कि इन्वायरमेंटल हेल्थ होती क्या है और ये किस किस से रिलेटेड होती है। उसके बाद है व्हाट आर इन्फेक्शस डिसीज़। इन्फेक्शस डिसीज़ कौन सी होती है? तो इन्फेक्शस डिसीज़ वो डिसीज़ होती है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो जाती है, वो इन्फेक्शस डिसीज़ है। कौन कौन सी कॉमन इन्फेक्शस डिसीज़ है उनके बारे में डिस्कशन की गई है। टाइप्स को जस्टिफाई किया है मैंने ताकि आपका जो असाइनमेंट है उसका कंटेंट और उसकी लेंथ, जो उसकी लेंथ है वो बड़ी हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट मैंने सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे वाटर का भी आ गया, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर, सोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, तो ड्रिंकिंग वाटर का भी आपको वाटर बॉर्न डिसीज़ बोला था तो वाटर को भी जस्टिफाई करा है मैंने। नेक्स्ट इज़ फूड बॉर्न डिसीज़, तो फूड को भी जस्टिफाई कर दिया। और ये हो गया आपका पूरा का पूरा कंप्लीट कि कौन कौन सी डिसीज़ कौन कौन सी होती है। तो आप लोग देख सकते होगे कि क्वेश्चन के अंदर बोला था कि इन्वायरमेंटल हेल्थ मैंने डिस्क्राइब कर दिया, इन्फेक्शस डिसीज़ मैंने डिस्क्राइब करवा दिया, वाटर रिलेटेड डिसीज़ भी बता दिया और फूड बॉर्न डिसीज़, चारों के चारों पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर दिया। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 2। देखो वैसे तो मैं अपने सारे असाइनमेंट में एक एक चीज़ जस्टिफाई कर रही हूँ, स्टिल इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन कि मैम इसका रीज़न कहाँ है, इसके कॉजेस कहाँ हैं, तो सो सॉरी कि अभी मैं अपना असाइनमेंट्स का पूरा डेडिकेशन से असाइनमेंट प्रिपेयर कर रही हूँ, उसको जस्टिफाई कर रही हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो बनाना, वीडियो अपलोड करना, उन सब में लगी हुई हूँ, तो हर एक कमेंट का एट द टाइम मैं आप लोगों को जस्टिफिकेशन नहीं दे सकती। दैट इज़ द रीज़न मैं आपको वीडियो में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ कि कैसा है, क्या है एंड ऑल दैट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अर्बनाइजेशन? इसके हार्मफुल इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स और स्टेप्स कैन टेक टू इम्प्रूव इट, मतलब उसके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो अब ये मत बोलना कि मैम इसमें तो स्टेप्स लिखा है, स्टेप्स कैन बी टेकन टू इम्प्रूव इट, आपने सॉल्यूशंस लिख दिया। सॉल्यूशंस और इम्प्रूवमेंट के लिए जब कोई स्टेप्स लेते हैं आर द सेम। तो सबसे पहले है अर्बनाइजेशन की डेफिनेशन। अर्बनाइजेशन की डेफिनेशन को मैंने जस्टिफाई किया है, फिर एक ऑथर की डेफिनेशन भी मैंने ली है इसमें, उसको जस्टिफाई किया है। फिर कौन कौन से कॉजेज होते हैं, तो कॉजेज बोल दो, रीजंस बोल दो, ये सब सेम होते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉजेज है इसका, कमर्शियलाइजेशन है इसका कॉजेज, सोशल बेनिफिट एंड सर्विस, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। नेक्स्ट इज़ मॉडर्नाइजेशन एंड चेंज इन मोड ऑफ लिविंग, रूरल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, अब मैंने सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं आप लोगों को कि क्या क्या सॉल्यूशंस हैं। तो जो बिल्डिंग बनती है, बिल्डिंग सस्टेनेबल एंड इन्वायरमेंटल फ्रेंडली सिटीज़, अगर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली सिटीज़ होंगी तो वो ज़्यादा अच्छे से स्टेप्स इम्प्रूव हो पाएंगे, समझ रहे हो, इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। असेंशियल सर्विसेज पे ध्यान देना चाहिए हमें, क्रिएशन ऑफ मोर जॉब्स, ज़्यादा जॉब्स हों, ठीक है, ये सारे स्टेप्स लिए गए हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल पे हमें ध्यान देना चाहिए, तो दैट इज़ ऑल। तो इसके अंदर मैंने सारी की सारी जस्टिफिकेशन आप लोगों को दे दी। अब पीडीएफ इतनी जल्दी अपलोड कर पाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी असाइनमेंट की प्रिपरेशन में ही बहुत बहुत टाइम लग रहा है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर ले, लेकिन मैं पीडीएफ एज सून एज़ पॉसिबल आई प्रॉमिस यू कि मैं आप लोगों को अलॉट करवा दूँगी। ओके, देन नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से। चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो एज मोर एज़ पॉसिबल, और एक थम्स अप दे दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी।